पुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है जन्म कुंडली में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष को किस तरह से देखा जाता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ अधिक विलंब न करते हुए। जय श्री कृष्ण। जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं, उसको अंग्रेजी में हाउस बोलते हैं और हिंदी में भाव कहे या फिर घर कहे, वो 12 स्थान भाव जो भी है जन्म कुंडली के 12 हिस्सों में बांटे गए हैं। अब इन 12 को यदि हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष में यदि डिवाइडेड करते हैं तो तीन तीन घर लेने पर 4 टुकड़े हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो तीन किस तरह से, जैसे 1, 2 और 3, ये तीन जो टुकड़े हुए वो एक भाव बना। तो अब मैं समझाता हूँ। सर्वप्रथम आता है आपका धर्म, तो धर्म का मतलब होता है दायित्व। आपका दायित्व क्या है और आपके संस्कार किस तरह से आपका निर्वाह करना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें कुंडली का प्रथम स्थान, 5वां स्थान और 9th हाउस, ये तीन धर्म स्थान कहते हैं। ये मूल त्रिकोण जो होते हैं पहला 5वां और 9वां, तो पहला और 5वां 9वां जब इनको धर्म के नाम से जानते हैं। और यदि राशि के हिसाब से देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम स्थान मेष राशि का आता है और 5वां स्थान में सिंह राशि आती है और 9वें स्थान पे धनु आती है। तो इस तरह से मेष सिंह और धनु ये आपका धर्म स्थान कहलाएगा। दूसरा आता है अर्थ स्थान। अर्थ स्थान में आता है कुंडली का दूसरा स्थान और उसके बाद में आता है 6ठा स्थान और 6ठे के बाद में 10वां स्थान। तो ये 2, 6 और 10, इट मीन्स वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीन जो होते हैं ये आपके अर्थ स्थान कहलाते हैं। ये धन भाव से संबंधित कहलाते हैं। आपको इनकम का जो नज़रिया देखना है वो तो दूसरा स्थान कुंडली का दूसरा स्थान धन बैलेंस देखा जाता है और 6ठा भाव जो होता है वो आप जो भी कार्य करेंगे सेवा देंगे उसके अनुरूप आपको कितना पैसा मिलेगा वो इससे देखा जाता है। और 10वां भाव है आपका कर्म क्षेत्र, तो कर्म क्षेत्र तो हुआ 2, 6 और 10, यानी कि 2 का हुआ वृषभ राशि और कन्या राशि और धनु के बाद में आता है आपके मकर राशि। तो इस तरह से वृषभ कन्या और मकर ये आपके अर्थ स्थान कहलाते हैं। और इसका जो तत्व होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। इससे पहले और बता दूं मैं आपको, 1, 5, 9 यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इसके जो स्वामित्व या इनका जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व कहलाता है। तो पहला धर्म में अग्नि तत्व, दूसरे में धर्म जो आता है कर्म, कर्म में आता है आपका पृथ्वी तत्व। अब जो तीसरा स्थान आता है आप स्वयं जो कार्य करेंगे उसमें पराक्रम आपकी शक्ति और काम करने की शक्ति किसे है, तो उसी हिसाब से तीसरा 3 और 3 के बाद में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये त्रिकोण जो भाव है, पहला हुआ आपका धर्म को त्रिकोण, दूसरा हुआ अर्थ त्रिकोण और तीसरा जो आता है ये काम त्रिकोण। काम त्रिकोण जो है 3, 7 और 11। 3 का मतलब हुआ मिथुन और 11 का कुंभ और 7 जो होता है वो तुला राशि। तो इस तरह से
ये आपका जो है इसका जो अग्नि तत्व, पहले धर्म का हुआ अग्नि तत्व और दूसरा धन भाव का हुआ आपका पृथ्वी तत्व, यह आता है आपके वायु तत्व। तो इसका जो क्षेत्र है वायु तत्व में आता है और इसका जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा होती है। अब